इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है टिश्यू सिस्टम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 3। प्लांट्स में जो टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनकी लोकेशन के बेस पर उन टिश्यूज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। तो जो डर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस होता है प्लांट के किसी पार्ट का, तो उसे हम डर्मल टिश्यू कहेंगे। ग्राउंड टिश्यू ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, और वैस्कुलर टिश्यू में हम जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड करते हैं। तो टिश्यू सिस्टम के बारे में और भी कुछ बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। इस डायग्राम में जो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम अभी हमने डिस्कस किए हैं, डर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू, तो उनका अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में दिखाया हुआ है कि लीफ में ये टिश्यूज़ किस तरह से अरेंज्ड हैं और क्या फंक्शंस हैं इनके। उसी तरह से यहाँ पर ये स्टेम का कट सेक्शन दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये रूट का कट सेक्शन दिखाया हुआ है। बहुत ही अच्छा डायग्राम है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो जब आगे हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे लीफ, स्टेम और रूट की, तो उस एनाटॉमी को समझना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लीफ का इन्होंने ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है। तो जो लीफ का जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वह तो हो गई डर्मल टिश्यू यानी कि एपिडर्मिस, और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये हो गई वैस्कुलर टिश्यू, और वैस्कुलर टिश्यू ये वाटर और सॉल्यूट्स कंडक्ट करता है, और बाकी जितना भी बचा हुआ टिश्यू आप देख रहे हैं, अब जो एरिया आप देख रहे हैं वह ग्राउंड टिश्यू है, और ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और यह टिश्यू लीव्स में फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये लीव्स का एक बहुत ही जनरल आइडिया हमें मिला है कि ये 3 तरह के टिश्यू किस तरह से अरेंज हैं और उनके क्या फंक्शन हैं। यहाँ पर ये देखिए, स्टेम में देखिए आप, तो स्टेम में ये तो डर्मिस हो गई, ये डर्मल टिश्यू हो गया, और यहाँ पर ये देखिए वैस्कुलर टिश्यू हैं, ये जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट है, और बाकी अब जो भी टिश्यू बचता है वह सब ग्राउंड टिश्यू है। ये छोटे छोटे टर्म्स हमारे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। और उसी तरह से यहाँ पर आप रूट का देखिए, तो ये रूट की जो कवरिंग है ये डर्मल टिश्यू हो गया, ये एपिडर्मिस हो गई, और यहाँ पर ये देखिए ये जाइलम और फ्लोएम, ये वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे ये वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम का, और बाकी ये जो जितना भी एरिया है ये ग्राउंड टिश्यू है। आप स्टेम और रूट का थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के। तो स्टेम और रूट में जाइलम और फ्लोएम का आप अरेंजमेंट देखिए, तो यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम एक साथ अरेंज हैं, तो इनको हम कहते हैं कंजॉइंट अरेंजमेंट। पढ़ेंगे आगे डिटेल में, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो स्टेम में हमें यहाँ पर कंजॉइंट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है जाइलम और फ्लोएम का, यह एक ही रेडियस पे दोनों पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर अलग अलग होते हैं, यह अलग अलग रेडियस पे होते हैं, और इसे हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे ये सब पॉइंट्स। यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम में और रूट में वह डिफरेंट होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इसे डिस्कस करते हैं। तो अभी डायग्राम में हमने देख ही लिया है कि यह टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे प्लांट की, और यह टिश्यू की जो सेल्स होती हैं तो उनमें स्टोमेटा होते हैं और कुछ और एपिडर्मल अपेंडेजेस पाए जा सकते हैं जैसे ट्राइकोम्स होते हैं और हेयर होते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं ये लीफ के एपिडर्मल टिश्यू में ही पाया जाएगा। तो जो लीफ का जो एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, और जो स्टेम का जो एपिडर्मल टिश्यू होता है उसमें हमें ट्राइकोम्स देखने को मिलते हैं। आगे डायग्राम में हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे ट्राइकोम्स क्या होते हैं, और रूट के एपिडर्मिस में हमें रूट हेयर देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के अपेंडेजेस हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलते हैं, और जो एपिडर्मिस होती है वह सिंगल सेल की बनी, सिंगल लेयर की होती है, सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती हैं। और जो एपिडर्मिस की जो सरफेस एनवायरनमेंट को फेस करती है तो उस सरफेस पर एक वैक्सी थिक लेयर होती है, वैक्स लाइक सब्सटेंस की एक लेयर होती है जिसे हम
क्यूटिकल कहते हैं और यह क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर एक नोट हमने मेंशन किया है कि रूट्स पर क्यूटिकल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर्पस देखिए आप, क्यूटिकल का क्या पर्पस दिया है कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। तो रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं तो इस तरह का ट्रांसपिरेशन रूट्स के थ्रू नहीं होता है, और रूट्स को वाटर भी अब्जॉर्ब करना होता है, तो रूट्स का जो एपिडर्मिस होता है उस पर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। इस डायग्राम की हेल्प से हम स्टोमेटा के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये टर्म हमने मेंशन किया है स्टोमा, तो अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसे स्टोमा कहते हैं, और जो स्टोमेटा, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा एक्चुअली प्लूरल टर्म होता है, उसी का सिंगुलर होता है स्टोमा। तो यहाँ पर ये देखिए जो स्टोमा होता है, एक स्टोमा का यहाँ पर हम डायग्राम बता रहे हैं, तो स्टोमा में दो गार्ड सेल्स होती हैं, ये बीन शेप की जो गार्ड सेल्स होती हैं ये, और गार्ड सेल्स को आप देखिए ध्यान से, तो ये एक पोर जैसा स्ट्रक्चर को ये एनसर्कल कर रही हैं, और गार्ड सेल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वह थिक होती है और आउटर लाइनिंग थिन होती है, और गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं इन्हें हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। और अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ है, सब्सिडियरी सेल्स, दो गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स जो ये पोर को, एक पोर को जो ये एनसर्कल कर रही हैं, तो इस पूरे जो अरेंजमेंट को हम स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं या स्टोमेटा अपरेटस कहते हैं। अभी हमने स्टोमेटा का डायग्राम डिस्कस किया, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ट्रांसपिरेशन के लिए और गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैशियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है प्लांट और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है उसे रिलीज करता है, और तो ये जो गैशियस एक्सचेंज होता है यह इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है, और यह स्टोमेटा लीफ की एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, और ट्रांसपिरेशन भी इन्हीं स्टोमेटा से होता है, और ये जो पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट्स हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ये जो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं ये दोनों पॉइंट्स हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, सब्सिडियरी सेल्स हम बता चुके हैं आपको, और स्टोमेटल अपरेटस हमने बता दिया है कि गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स और स्टोमेटल पोर, इन सबको कलेक्टिवली हम स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। रूट हेयर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जो रूट्स पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहाँ पर एक बात हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, जो रूट हेयर होते हैं ये यूनिसेलुलर एलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, और यहाँ पर हमने ये ट्राइकोम एक और वर्ड हमने यूज़ किया है जो हमें स्टेम्स में देखने को मिलता है। तो ये जो एपिडर्मिस पर पाए जाने वाली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्राइकोम्स, आगे डायग्राम में हम देखेंगे, लेकिन यह जो ट्राइकोम्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो रूट हेयर और जो ट्राइकोम्स हैं ये इन दोनों के बाहर से स्ट्रक्चर देखने में सेम लगेंगे, दोनों ही हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं एपिडर्मिस के, लेकिन ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं और जबकि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हमने टमाटर का एक प्लांट का पिक्चर यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ पर आप ये देखिए टमाटर की स्टेम पर ये हेयर लाइक आपको ज़रूर दिख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स, तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपने और भी पौधों में देखे होंगे, तो इन्हीं को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। और यहाँ पर ये हमने एक स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा ये ट्राइकोम एपिडर्मिस से इमर्ज होते दिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो जो ट्राइकोम्स हैं ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, ये देखिए ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जबकि जो रूट हेयर होते हैं वह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम जब हमने देखा था टिश्यू सिस्टम का, तो वहाँ पर आपको एपिडर्मिस हमने दिखाई थी और वैस्कुलर बंडल दिखाया था, तो इन दोनों के अलावा अब जो भी टिश्यू है किसी प्लांट पार्ट में उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहेंगे, और ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा का बना हो सकता है। तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं यह यूजुअली हमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेज में देखने को मिलती हैं। ये जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं यह सभी टर्म्स हम सीखेंगे और इनके हम डायग्राम्स देखेंगे जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे रूट्स और
रूट की और स्टेम की जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये सभी टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। और लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू होता है वह थिन वॉल्ड होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और लीफ के ग्राउंड टिश्यू को हम मीजोफिल कहते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, इन सारे जो हम प्लांट पार्ट्स की जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उस एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले ये छोटे छोटे टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो लीफ में भी हमने देखा था एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू। अब उसके अलावा जो भी टिश्यू बचता है डेफिनेटली वह ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मीजोफिल। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम का बना होता है और यह दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम का जो एग्रीगेशन होता है उसे हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं, ओपन और क्लोज्ड। आगे एक डायग्राम की हेल्प से इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम की हेल्प से हम वेस्कुलर बंडल के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो कलर कोडिंग की हुई है, तो ये जो येलो कलर है ये फ्लोएम के लिए है, ग्रीन कलर यहाँ पर ये जाइलम को बता रहा है, और ये ऑरेंज कलर जो यहाँ पर है ये कैम्पियम के लिए है। तो वेस्कुलर बंडल सबसे पहले ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेडियल और कंजॉइंट। तो जो रेडियल होता है उसका आप देखिए तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग ये अरेंज्ड हैं और डिफरेंट रेडियस पे अरेंज्ड हैं। डिफरेंट का मतलब, रेडियस का क्या मतलब है, सेंटर से आप एक लाइन खींचिए पेरिफेरी की तरफ तो उसे रेडियस कहते हैं। तो अगर जाइलम इस रेडियस पे लाई कर रहा है तो फ्लोएम इस रेडियस पे लाई कर रहा है। तो ये जो रेडियल अरेंजमेंट होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि ये सब टर्म्स हम यूज़ करेंगे जब आगे हम डिस्क्राइब करेंगे एनाटॉमी, तो ये सारे टर्म्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाते हैं ये सब बातें कि क्या लिखा है कि डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो आप सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं पेरिफेरी की तरफ तो उसको हम रेडियस कहते हैं। तो फ्लोएम और जाइलम डिफरेंट रेडियस पे अरेंज्ड हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। जबकि कंजॉइंट जो होता है उसमें फ्लोएम और जाइलम एक साथ अरेंज होते हैं, और इस तरह से जब अरेंज होंगे तो हम सेंटर से जब एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पेरिफेरी की तरफ तो दोनों जो एलिमेंट्स हैं जाइलम और फ्लोएम वह दोनों एक ही रेडियस पे लाई करेंगे कंजॉइंट अरेंजमेंट में। अब कंजॉइंट जो अरेंजमेंट होता है यह फर्दर दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज्ड। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट हो, कैम्बियम एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी अरेंज्ड हो तो ऐसे अरेंजमेंट को हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम टिश्यू एब्सेंट हो तो इसे हम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओपन और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल के बारे में जो बातें अभी हमने डायग्राम की हेल्प से डिस्कस की हैं वह सभी पॉइंट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे जो ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं ये डाइकॉट्स में देखे जाते हैं, और जबकि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। जब ये एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर एक हमने टर्म यूज़ किया है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ जिस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस टर्म को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ओपन वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। रेडियल और कंजॉइंट अरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें।